एन एस आई ओ साउथ महाराष्ट्र प्रोडक्शन। दोस्तों मैं आपको आज की डेट बताता हूँ, हमारे कुछ टीचर्स हैं, हमारे एस आई ओ के कुछ मेंबर्स हैं जो इस्माइल यूसुफ कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं, उन्होंने हमको बताया कि आज जूनियर कॉलेज के प्रैक्टिकल्स थे, लेकिन जब इस स्टाफ को इस मैनेजमेंट पर मालूम पड़ा कि यहाँ प्रोटेस्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने उस प्रैक्टिकल्स को कैंसिल किया। तो दोस्तों अगर हमारा ये स्ट्रगल जारी है तो आज इनका प्रैक्टिकल कैंसिल हुआ, कल ये जो गवर्नमेंट प्रशासन का जो बोर्ड लगा हुआ है ये बोर्ड भी यहाँ से निकल जाएगा। तो रॉजर फेडरर ने जो अपनी किताब स्ट्रगलिंग और कल्चर में ये बात लिखी थी कि किसी भी नेशन को या किसी भी कम्युनिटी को अगर उसकी ग्रेटनेस को समझना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो उसके वीकर सेक्शन के साथ कैसा बिहेवियर करती है। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि ये देखा जाएगा कि वो वीकर सेक्शन के साथ उसके साथ उनका बिहेवियर क्या है। कि मुसलमानों का मसला नहीं है, इट इज नॉट अबाउट माइनॉरिटीज राइट और मेजोरिटीज राइट, इट इज ऑल्सो अबाउट वॉट इज राइट बेसिकली। एक जमीन दी जाती है एक माइनॉरिटी के लिए, एक कम्युनिटी जो डिफॉल्ट है। फिर आपकी गवर्नमेंट की महमूदुर रहमान कमेटी ये बात कहती है कि महाराष्ट्र में 59.9% मुस्लिम से लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, और ऐसी अगर कम्युनिटी और आप जब ये बात कहते हैं कि सबका विकास और देश के विकास और डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, तो दोस्तों मुझे बताइए अगर किसी समुदाय का किसी देश का 14-15% वर्ग अगर जो पिछड़ा हुआ तो क्या वो देश तरक्की कर सकता है, क्या वो देश डेमोक्रेटिक कर सकता है। दोस्तों हम ये बात बहुत क्लियर कहना चाहते हैं कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से भी जो यहाँ पर काम करिए उनसे भी गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए इसको मिली इशू मत बनाइए, इसको मुसलमानों का इशू मत बनाइए, इसको ह्यूमन राइट्स का इशू बनाइए। आप देखिए कि आपके हालत जो है हिटलर के जमाने के उन लोगों की तरह हो जाएगी, जिसके पॉइंट ने कहा था कि सबसे पहले हिटलर यहूदियों को मारने के लिए है, और मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था, फिर वो कम्युनिस्ट को मारने के लिए, मगर मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था, फिर वो सोशलिस्ट के खिलाफ है मैं छुप रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था, लेकिन जब वो मुझे मारने के लिए तो मेरे खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। इसमें जिससे दूसरी माइनॉरिटी है तो कल यही मामला सुमैया के साथ गुजराती माइनॉरिटी के साथ हो सकता है, परसों ये मामला ठाकुर जी और यूपी और बिहार की माइनॉरिटी के साथ हो सकता है। इसलिए दोस्तों हम सबको एक साथ आना होगा, इंसाफ पसंद जितने भी लोग हैं, मजहब को हटाइए, रिलीजन को हटाइए, कास्ट को हटाइए, आइडियोलॉजी को हटाइए, लेकिन इंसाफ के नाम पर जस्टिस के नाम पर जो एक जगह जमा। और दोस्तों आके मैं इसी चीज के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि बहरहाल हमें मक्तल से गुजरना होगा, बहरहाल हमें मक्तल से गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, अपनी नस्लों को तबाही से बचाने के लिए, अपनी नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है हमें को करना होगा।